हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम किचन के लिए डीआईवाई करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों से जो हम मोस्टली फेंक देते हैं। ये देखिए, एक कंटेनर लिया है मैंने, ये डिस्पोजेबल कंटेनर है। इसे हम यूज़ करेंगे किचन के लिए, एक छोटा सा डस्टबिन बनाएंगे। जो हम रेगुलर कटिंग करते हैं, चॉपिंग करते हैं, हम तुरंत डस्टबिन में, हमारा जो बड़ा डस्टबिन होता है उसमें हम नहीं डाल पाते हैं। तो पहले हम ये एक छोटा सा बना रहे हैं, जिससे कि हम जो चॉपिंग करते हैं उसके बाद जो वेस्ट होता है वो हम इसमें डाल के स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हम, जब हमारी सारी कटिंग हो जाती है वेजिटेबल्स की, उसके बाद हम जो भी हमारा वेस्ट निकलता है वो हम फिर बड़े डस्टबिन में आराम से डाल सकते हैं। उससे हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है, हमें इजी भी हो जाता है। और ये देखिए, मैंने इसमें हुक लगा दिया है और ये देखिए इसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया है और ये कितना अच्छा लग रहा है। और ये सेकंड है, ये मैंने लिया है कपड़ा, दो कंटेनर लिए हैं ये। मोस्टली इसमें बिस्किट्स आते हैं, आपने देखा होगा बेकरी बिस्किट्स ऐसे ही में पैक होके आते हैं। और ये मैंने एक पीस लिया है साड़ी का, आप देख रहे हैं कि जो साड़ी के ब्लाउजेस बच जाते हैं उसका पीस है। तो मैंने इसको क्या किया है, दो कंटेनर्स लिए हैं, एक पे लगा के उसके ऊपर से कवर कर दिया है, जिससे कि जो मैंने कपड़ा लगाया है वो गंदा भी नहीं होगा और एक तरीके से पूरा लैमिनेट हो गया है। और इसमें मैं डोरी बांध रही हूँ, ये मैंने सुतली बांधी है इसमें, इसको मैं हैंग करूँगी। ये देखिए किस तरीके से मैं इसको सुतली को बांध लूँगी दोनों तरफ से, और फिर यहाँ से दोनों तरफ से बांधूँगी, फिर ऐसे ही दूसरे साइड से बांधूँगी। और ये देखिए हमारा कंटेनर रेडी है। और ये मैंने एक कील ली है, इसको मोस्टली हम वायर्स के लिए यूज़ करते हैं। और ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने ऑलरेडी मेरा फॉइल पेपर और रैपिंग शीट को ऑलरेडी किया हुआ है, उसी की एक कील को मैं यूज़ करूँगी इसको हैंग करने के लिए। और ये देखिए, मैंने अपना सामान रखा है, आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से हैंग हो गया है। इससे आपका जो स्लैब है वो क्लियर रहता है। ये लास्ट DIY है, आप ये देख सकते हैं, ये जो डिब्बे होते हैं चौकोस के, आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसको हम ऐसे बंद कर लेंगे और हमें इसे खोलना है साइड वाले हिस्से से हम इसे खोलेंगे। और इस तरीके से हमारा कटिंग हो गई है। और ये अब जो कपड़ा है हमारा, वही वाला कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ जो साड़ी का था। और ये इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत लाइट है, अंदर से पूरा बॉक्स हमारा दिखेगा। तो पहले मैं, ये एक डस्टर है जो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए हमारे इस तरीके से एक बैग्स की तरह तैयार हो गए हैं। और इन बैग्स को हम यूज़ करेंगे, आप इसे बहुत सारी तरीके से किचन में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें पॉली बैग्स रखे हुए हैं जो मेरे डस्टबिन में यूज़ होते हैं या फिर शॉपिंग बैग्स की तरह यूज़ होते हैं। इसकी जगह मैं अब इसको हैंग कर दूंगी। ये देखिए, अब इसमें मैं इजीली देख भी सकती हूँ कि मेरे बड़े बैग्स कौन से हैं, छोटे पॉली बैग्स कौन से हैं। और ये सेकेंड वाला यूज़ करूँगी मैं, ये वाला मैंने इस तरीके से यूज़ किया है। होप आपको पसंद आए होंगे तीनों DIY। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।